सो हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो मैं हमेश और आप देख रहे हो मेरे जो शिक्लॉग सो गया तुम्हारी 8 दिसंबर 2022 और सुबह के बजे ठीक 7। तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो चुका हूँ कॉलेज और सेंटर जाने के लिए यार। तो फिलहाल अभी तो चलते हैं और कर देते वीडियो स्टार्ट एक छोटे से इंटर के बाद। शादी में से आए हुए लड़के हमारे, होगी शादी आपकी? नहीं, आज तो छोकरा ग्लो कर रहा है ना अभी। और तो गाइस, तो फिलहाल आज हमारा पहला पीरियड रहेगा और मतलब सोमवार मंगलवार और बुधवार को पहला पीरियड लगता है 9 बजे और उसके बाद लगता नहीं है। और ब्रो क्या बस होगी जिम कांडी बनती। फिलहाल अभी बाहर बैठे धूप सेक रहे हम से और पतली कमरिया आए हाय हाय। आज पिंक कलर का लास्ट में कंफ्यूजन में हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है इसके बहुत ज़्यादा यूज भी बहुत ज़्यादा है। अगर जिम को अच्छे तरह से यूज़ करना है तो उसके अच्छे अच्छे यूज़ भी हैं और कुछ लोग मिस यूज़ भी करते हैं इसका, जैसे कि हैकिंग वगैरह आ जाता है आजकल आप लोग देख रहे हैं आसानी से। किस तरह बैठे और आज हम जा रहे हैं भीड़ है, स्टार वर्ष में जाना पड़ता है तो इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। और अभी क्योंकि पीरियड भी हमारे लगने वाले रहे, अब नहीं लगते पीरियड तो इसलिए आराम से लगाएंगे। इस बस रुका के देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, मतलब भाई सारे आगे स्टारबक्स के लिए। आज ना स्टारबक्स में सब कुछ सस्ता सस्ता मिलता है, जैसे ना स्टारबक्स की बहुत ज़्यादा हम लोग वो करने वाले हैं, क्या तेज बढ़ाने वाले हैं उनके जो मतलब चाय वगैरह बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। बहुत हाँ बहुत हाँ तो चलते हुए ज़्यादा टाटा सर हमसे नाराज हो जाते हैं इसलिए हमने सोचा चलो कोई नहीं। स्टारबक्स पहुँच चुके स्टारबक्स के पास, आप लोग देख सकते हैं आगे आधे लोग आगे चले गए भाग भाग के क्योंकि भंडारा भी लग रहा है यहाँ पे। तो चलते फिर फटाफट। फिलहाल गए ले आए हम सामने स्टारबक्स टाटा। चले चले चलो फिर करो एंट्री। वैसे मजाक भी समझे कर रहा, आ जाओ एंट्री क्या पेमेंट तू कर दियो एंट्री मैं करवा देता हूँ। चले 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 चले। और क्या नाम है इस पार्क का? यामिनी का जो भी है मतलब वो पार्क है। वैसे इसकी कैक्टस नहीं है भाई, कैक्टस में तो जाए। हाँ यामिनी पता नहीं है, यामिनी का ऐसा कुछ है। हाँ 5 सेक्टर का पार्क है, देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त है। चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बोनसाई गार्डन है, देख सकते हैं आप लोग छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके अंदर सारे के सारे। अभी चौधरी में हाँ मुख्यमंत्री उधर है। चलो बस आने में बहुत ज़्यादा टाइम है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे घूम के आराम से फोटोशूट वगैरह करेंगे। देख सकते हैं आप एक तरह का ऑडिटोरियम सा है यहाँ पे। उई यहाँ पे रील की आइडिया हुई, रील की आइडिया मिल गई, रील रील रील। सो गाइस आज हमने एक फनी सी मतलब शॉर्ट वीडियो रील वगैरह कुछ भी मतलब आप समझ सकते हैं वो हमने बनाने की कोशिश की, वो आपको कल या परसों तक आ जाएगी। मतलब समझ ही होंगे आप ऐसे कुछ लोग क्या बनाने वाला हूँ। गाइस लोकेशन देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया है, वैसे है ना यहाँ पे अपना मैं मीटअप रखूंगा कल आना था। ज्यादा हो गया कभी रखेंगे। हाँ यहाँ पे कुश्ती खेलते हुए मेडिटेशन गार्डन भी है, इसके अंदर जूते पहन के जाना वर्जित है इसलिए हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं पार्क में। बहुत अच्छा गाइस ये पार्क है, इसका नाम यामिनी पार्क पता नहीं, वानी का पार्क ऐसे ही कुछ है मतलब सेक्टर 5 के पास ही है, यहीं से बस बाहर निकलते बस स्टैंड आ जाता है। तो यहाँ पे पंचकुला छोड़ो आंदोलन चल रहा है और सारे लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल बस तो आई नहीं है, भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं पूरी भरा हुआ है। अभी आज हमारा मेन मोटिव था कि बस की टाइमिंग पता करना, इसलिए हमने छुट्टी करी थी तो देखते हैं पता करके फिर चलते हैं। बस में सीट भी मिल चुकी है और ये लॉन्ग रूट वाली बस है तो चलते हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग ऐसे लदे हुए लोग भीड़ कोई मच्छी नहीं है, कड़ी का फोन एप्पल की घड़ी और नोकिया का फोन। अभी हम लोग बुरवाला पहुँच चुके हैं और अब चलते घर की ओर। फिलहाल 3 बजे इस टाइम पर हम वहाँ से निकलते हैं जस्ट अभी। फिलहाल घर पे भी हम लोग पहुँच ही चुके हैं और आज हमारा जो मेन मोटिव था मतलब भंडारा खाना तो हर वीरवार होता ही है वहाँ पे, हर वीरवार को भंडारा होता है वैसे आप लोग जो आसपास के जाके खा सकते हो, बड़ा अच्छा भंडारा होता है वहाँ पे। तो मेन मोटिव ये था कि बस का टाइमिंग पता करना क्योंकि बस की टाइमिंग बहुत ज़्यादा उलझ पुलझ हो गई थी जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे कुछ पिछले दिनों से। तो ये बात हुई है कि बस का टाइम ना शायद 10-10 मिनट आगे आगे हो गया क्योंकि आज जो बस आई थी जो 2:20 पे आती थी वो 2:30 पे आई है और जो 3 बजे आती थी वो भी वहाँ से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकली है।
और ऐसे ही कुछ है, और जो 2:45 वाली थी वो 2:50 ऐसा शायद कुछ हो सकता है। तो अभी चलते हैं अंदर, और आपने बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग देख लिया अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे, आपको पता है अगर ऐसी रोज़ रोज़ देख लो ना तो चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। शेयर वगैरह भी कर दिया करो। अभी हम भी थोड़ा बहुत बाहर चल जाते हैं, और आपको कहीं नहीं जाना, घूमने हम जा रहे हैं। आप देखो अभी 10-20 सेकंड तक चल सकते हैं ब्लॉग। सो गाइस, आज तो हमारे यहाँ पे चल रहे कॉलोनी में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा घमासान मैच, और यहाँ पे हमारे एक टीम इधर है एक टाइम उधर है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस टीम की वजह से शेयर करूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुत्ते कितने अच्छी तरह से खेल रहे हैं। अबे मार भी लो, मारो, देख सकते हैं आप लोग कितनी बकवास चल रही है यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, चलो आगे। तो अभी आप लोगों ने फुटबॉल मैच भी देख लिया घर में बैठे बैठे और व्लॉग में। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग जो पहुँच चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात पहुँच चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं मतलब, तो खाना वगैरह भी हम लोग खा चुके हैं। तो इस व्लॉग के ना जस्ट बाद जो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हें पता चल रही है बात, और किसी को पता नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये जो व्लॉग है ना, इसके कुछ देर बाद 1-2 घंटा लगभग 3 या 4 घंटे 12 बजे तक अप्रोक्सीमेटली एक शॉट आने वाला है जो कि थोड़ा बहुत फनी भी है, और देख लेना आप लोग कैसा लगेगा। होप्स हो कि आपको ये भी अच्छा लगेगा और वो भी अच्छा लगेगा। कमेंट वगैरह करना, शेयर वगैरह करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।